इन दिनों श्वेता तिवारी की लाडली बेटी पलक तिवारी को सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ स्पॉट किया जा रहा है। दोनों के अफेयर के चर्चे गॉसिप के गलियारों में छाए हुए हैं। पलक श्वेता और उनके एक्स हस्बैंड पति राज चौधरी की बेटी है, वहीं इब्राहिम सैफ अली खान और उनकी एक्स वाइफ अमृता सिंह के नवाबजादे हैं। अक्सर दोनों को साथ देखा जाता है, हालांकि अभी तक ना तो पलक ने और ना ही इब्राहिम ने कुछ कहा है, लेकिन अब पलक की मां श्वेता ने इन डेटिंग रूमर्स पर चुप्पी तोड़ दी है। आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा। पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के अफेयर के चर्चे गॉसिपी गलियारों में फैले हुए हैं। दोनों को कई बार साथ देखा गया है। मीडिया में खबरें हैं कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये भी सोना आने सच है कि दोनों में से किसी ने अभी तक अपने रिश्ते को कबूल नहीं किया है और ना इस पे कुछ कहा है। लेकिन अब मां श्वेता तिवारी ने बेटी के अफेयर के चर्चों पर चुप्पी तोड़ते हुए एक इंटरव्यू में बात की है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अभी मजबूत है तो कुछ नहीं कह रही है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा कोई आर्टिकल और टिप्पणी उसके आत्मविश्वास को हिला सकता है। श्वेता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हर दूसरे लड़के के साथ नाम जोड़ना ठीक नहीं है, अभी वो बच्ची है और इतना क्रूर चीजें उसे तोड़ सकती है। अभी तो वो बर्दाश्त कर रही है, लेकिन पता नहीं कब तक बर्दाश्त कर पाएगी। वो अपनी डेटिंग रूमर से हैरान है और इसे मजाक में लेती है, लेकिन कई बार उसे ये सारी बातें परेशान भी करती हैं। हाँ, उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई किसी के बारे में क्या बोल रहा है और क्या सोच रहा है। श्वेता तिवारी ने अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए कहा कि पलक ने उन्हें बचपन में जैसा देखा है, ऐसे में उन्हें चिंता थी कि उसका क्या होगा बचपन में, ये सब देखने के बाद उसका लोगों के साथ रवैया कैसा रहेगा। लेकिन श्वेता ने कहा कि उनकी बेटी बहुत मजबूत है और सेंसिटिव है, उसने शुरुआत ही सीखने से की है और उसे पता है कि दुनिया वालों के साथ कैसे डील करना है। वहीं अपनी बेटी के बहुत पतली होने को लेकर भी श्वेता ने कहा कि लोग पहले उसे ट्रोल किया करते थे, लेकिन अब जिस डाइटिशियन के पास पलक जाती है वहां जाने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें पलक जैसा दिखना है। आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।